वीके न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, दिल बोलेगा देश सुनेगा। ये तस्वीरें बहुत कुछ कह रही हैं, जो कुछ हुआ है उसकी कहानी बयां कर रही हैं। ये पहली बार नहीं हुआ कट्टर पंथियों और जिहादियों की असलियत सियारों वाली फितरत खुलकर सामने आई है। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के जबलपुर की हैं, जहां दिल्ली के दंगों की सूरत दोहराई गई। ईद मिलादुन्नबी के जश्न पर इस कदर ये तालिबानी सोच वाली कौम हावी हुई कि पुलिस क्या, प्रशासन क्या, सरकार क्या, सबको खेल लेने की चुनौती देते दिख रहे ये कट्टरता के कुकर्मी हैं, जो इस देश में अपनी कौम के राज की चाहत रखते हैं। पटाखों से पुलिस पर हमला, सुरक्षा तंत्रों पर लगातार पथराव, ये अचानक नहीं हुआ। शहर के बीच इन गलियों को देखिए, सैकड़ों की तादाद में खड़े वर्दीधारी यूं ही नहीं जमे, बल्कि जिहादियों के आतंक ने इन्हें यहां आने पर मजबूर कर दिया। पाकिस्तानी आकाओं और जिन्ना की सोच अब भी भारत के भीतर रह गई है, जिसका खात्मा समय रहते नहीं हुआ तो परिणाम भयंकर हो सकते हैं। रास्तों में पड़ी ये तितर बितर साजो सामान देखिए, बीच सड़क में चप्पल जूतों के लगे अंबार देखिए, प्रशासन की आंसू गैस छोड़ती ये बंदूकें देखिए, ये बता रही हैं शिवराज का राज है, ये पीएम मोदी का राज है। जहां बस से बवाल काटा तो खा से खात्मा तत्काल किया जाएगा। जबलपुर के जिहादी जुलूस जबलपुर के मछली मार्केट से होते हुए सुब्बा शाह मैदान तक ले जा रहे थे, लेकिन अचानक जुलूस ने सर्राफा मार्केट की तरफ घुसने की कोशिश की और तो और पुलिस के बैरिकेड्स को हटाने का भी प्रयास किया। पुलिस ने उनको रोका भी, समझाइश भी दी, लेकिन लोगों ने जलते हुए पटाखों से पुलिस पर हमला बोल दिया। कुछ ही देर के बाद कुछ लोगों ने गली के एक कोने से पुलिस पर पथराव करना शुरू कर दिया। सरकार ने जता दिया है ईद मनाओ, सेवैयां खाओ, शांति बनाओ, जिहादी चक्कर चलाने की सोची तो इस सोच को दफन करने भारत की खाली जमीनें काम आ जाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल।